सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला वनडे में टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से पारी को संभालते हुए पैंसठ रन बनाए। इसके साथ ही धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सोलह हजार रन भी पूरे किए और ऐसा कारनामा करने वाले वह दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं सोलह हजार अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के सत्ताईसवे बल्लेबाज और दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं उनसे पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा यह रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। संगकारा 28,016 हजार सोलह रन बना चुके हैं धोनी ने अब तक सोलह हजार अड़तालीस रन बना लिए हैं जिसमें सोलह शतक और एक सौ एक अर्ध शतक बनाई धोनी ने अपनी चार सौ तेरासीवी पारी में ये रिकॉर्ड मुकम्मल किया है सोलह रन बनाने वाले छह भारतीय बल्लेबाज बने धोनी धोनी ने नूरवान प्रदीप की गेंद पर चौका लगाते हुए ये रिकॉर्ड मुकम्मल किया इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए उन्हें सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी ऐसा कारनामा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से धोनी छ बल्लेबाज हैं उनके पहले यह कारनामा सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविंद सौरभ गांगुली वीरेंद्र सहरवाल विराट कोहली अपने नाम कर चुके हैं बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 112 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी ने सर्वाधिक रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से सुरंग गार्ल ने चार और नूरवान प्रदीप ने दो विकेट लिए इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए